आखिर ज्योतिष में विश्वास रखते हैं मिस्टर शाह? न्यूमरोलॉजी में 13 तारीख को शुभ नहीं माना जाता और सितंबर 2011 की 13 तारीख को ही वो यहाँ आई और उसने अपनी 1,000 करोड़ की जायदाद का जिम्मा उस इंसान को सौंप दिया जिसके ऊपर उसे अपनी जान से भी ज्यादा एतबार था, उसका पति कबीर जायसवाल। और फिर ठीक 3 दिन बाद ही उसने बैंक से 100 करोड़ रुपए निकाले। यहां तक तो सब ठीक है, कहीं भी कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, सब कुछ कानून के हिसाब से ही था, ना ही कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से कोई शक की गुंजाइश हो। लेकिन फिर हफ्ता पूरा ना होते होते अचानक महीने हो गए मिस्टर शाह, मेरी क्लाइंट आदित्य जायसवाल की बॉडी नहीं मिली है। और इसका मतलब है लीगली हम आदित्य जायसवाल को मृत घोषित नहीं कर सकते, एटलीस्ट अगले 7 सालों तक। एंड आई एम श्योर जायसवाल परिवार के लिए बहुत तकलीफ वाली बात होगी। लेकिन आर्य जी, आप मेरे क्लाइंट पर इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम अभी लगा नहीं रहा हूं मिस्टर शाह, पर अगर लगा दिया ना तो डिफेंड करने लायक नहीं रहा, ये वादा है मेरा तुमसे। वैसे जायसवाल पैराडाइज रेसिडेंसी ग्रुप के जायसवाल परिवार को ये मानना चाहिए कि एक्सीडेंट एक इत्तेफाक निकले, लेकिन अगर ये इत्तेफाक नहीं है तो कहां गए वो 100 करोड़? मेरे क्लाइंट कबीर जायसवाल, उन्होंने वो पैसा जमीन में इन्वेस्ट किया है। हाँ, जमीन की कीमत तो 50 करोड़ थी ना, बाकी के 50? मिस्टर शाह, जो लड़की इस हादसे में मरी है, भले ही मैं उसका वकील हूं, लेकिन वो मेरे लिए एक बेटी की तरह थी। अपनी आंखों के सामने उसे बड़ा होते देखा है मैंने। अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ है ना तो मैं उसे इंसाफ दिलाऊंगा। फिलहाल मिस्टर शाह, मैं आपको 2 हफ्ते का वक्त देता हूं। इस बार अपने क्लाइंट से कहिएगा कि किसी मैनेजर को ना भेजे, यानी कि खुद तकलीफ कर लो डॉक्यूमेंट्स के साथ, और मुझे समझाए कि बाकी के 50 करोड़ रुपए गए तो गए कहां। और हां, अगर शक की कुछ भी गुंजाइश हुई ना तो मैं दूसरा मौका नहीं दूंगा। यात्री कृपया ध्यान दीजिए, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली गाड़ी दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस। यात्री कृपया ध्यान दीजिए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गाड़ी रवाना होने वाली है। ओ मैगजीन वाले, अरे सुन, ओ ए इधर, अबे फिल्मी गपशप है क्या? है, हाथ उठी है, अभी देखती हूँ उसको। भाई इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ आपको, वो भी इतने जोर जोर से, सुनाई नहीं देता आपको? कस्टमर को अपने पीछे भगाते हो, कौन सी सेल्समैनशिप है ये बताओ मुझे। इतनी ठंड में करा दी ना परेड एवे, अब शक्ल क्या देख रहे हो, फिल्मी गपशप है कि नहीं बताओ मुझे। 50 रुपए? काय के 50 रुपए, सामने ही तो डब्बा था। अरे सामान कितना भारी है, पकड़ और निकल यहाँ से, औरतों से ज्यादा बदतमीजी की ना तो अभी हल्ला मचा दूंगी। अरे आराम से आंटी जी, क्या हो गया, क्या हुआ भैया, क्यों परेशान कर रहे हो? अरे देखो ना, इतने से सामान के 50 रुपए मांग रहा है, दिन दहाड़े लूट मचाई है इन लोगों ने। 50 रुपए इतने से सामान के? अरे लूट क्या, ये तो डकैती है, फ्रॉड है जी, मर्डर है। हमारा रेट फिक्स है, हम ज्यादा नहीं ले रहे हैं। आप तो जानती है पार्किंग यहाँ से कितना दूर है, ऊपर से ये 50-60 किलो का वजन। ये 50 और 60 किलो नहीं, 100 किलो है, देखो ये तिल्ली जैसा शरीर और 60 किलो उठाएंगे। हाँ वैसे ये बात तो सही कही। हाँ भैया, आपको देख के लगता नहीं है कि आप इतना सारा सामान खुद अकेले उठा सकते हो। चलो
उठा के दिखाओ मुझे, तभी मानूं मैं। उठा लिया? लो 100 रुपए, 50 रुपए वहां से सामान यहाँ लाने के, और बाकी के 50 यहाँ से सामान वापस वहाँ फेंक के आने के। यात्री कृपया ध्यान दीजिए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गाड़ी रवाना होने। ये क्या कर रही हो? अरे मेरा सामान, अरे मेरी गाड़ी छूट जाएगी, अरे इधर आओ। ट्रेन तो आपकी कब की छूट गई आंटी जी? नमस्ते। हनीमून जी, आपके मिस्टर कहाँ गए? मेरे हस्बैंड। ना यार, एक कप चाय पिला दे। वैसे अकेले चाय पीने में मजा तो नहीं आता, लेकिन चलो अकेले ही पी लेते। चूड़ा, मेहंदी यानी नई नई शादी, और हनीमून धौलगंज में। क्यों, तुमसे मतलब? वही तो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ? सुनो मिस्टर। ऋषि, उम्र 29 साल, और तुम मिसेज नेहा? हाँ? उम्र 23 साल, रिजर्वेशन चार्ट के अकॉर्डिंग। चाय पियेंगे आप? पहले कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? क्यों, तुम्हें पहले किसी लड़के ने नहीं देखा क्या? बड़ी फीकी है यार। हाँ? चाय बहुत फीकी है। भाई वाह, आप तो अकेले इस पूरे देश में चीनी की समस्या सॉल्व कर सकती हैं। ये लफंगा मेरा पति है। और इसका भी कैरेक्टर ढीला नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा मूड आ गया मस्ती करने का, सो रियली सॉरी। वाह भाई वाह। मैं आती हूँ। Excuse me? चाचा, जायसवाल पैराडाइज चलेंगे? क्यों नहीं चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। खड़े किस लिए? आइए आइए।
हमारा तो रोज का यही काम ठहरा। फलाने ने कहा दाजू उधर छोड़ दे, धमकाने ने कहा दाजू उधर छोड़ दे, छोड़ कर आ गए, हमारा काम खत्म बस। लेकिन पैसेंजर में जब भी आप जैसे नए नए ब्याह वाले जोड़े मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। हमें भी अपना ब्याह का टाइम याद आ जाता है। हाउ स्वीट चाचा, वैसे आपके बच्चे हैं? हाँ, एक चेली ठहरी। चेली? चेली हमारे यहाँ बेटी को कहते हैं। ओह, यहाँ की उम्र को हो गई है, बात चला रखी है उसकी। आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं? अरे चाचा, कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं ना। नहीं, रोड बड़ी खतरनाक ठहरी। अभी 6 महीने पहले एक कार नीचे घुस गई थी, कोई भी नहीं बचा। मैंने भी क्या फालतू में आपके मन को डरा दिया। चलो ले। और चाचे, क्या हुआ ठहरा साहब? दिल्ली से एक खूनी फरार है, मानसिक रूप से वो बीमार है और सुना है वो इसी तरफ आया। खूनी? देखो जरा। चाचा जी। बेटा, आप ये मेरी तरफ से अपनी चेली को दे देना, मुझे किसी ने दिया था ताकि एक अच्छा लड़का मिले, अब आप उसको दे देना। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी तरह उसको भी शादी के लिए बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। ठीक है बेटा, खुश रहो। नेहा, तुम अंदर चलो। मिसेस शेखावत, मिसेस नेहा शेखावत। यस यस, नेहा शेखावत। प्लीज कम। नहीं नहीं, शादी है ना, इसीलिए शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। वेलकम टू जयसवाल पैराडाइज मैम। थैंक यू। आई एम सोनिया फ्रॉम द हेल्प डेस्क। प्लीज हैव अ सीट। हस्बैंड ऋषि। नमस्कार। प्लीज बैठिए सर। आपका फोटो आईडी? श्योर। थैंक यू। फूलन सिंह, सब लोगों का सामान हनीमून स्वीट में पहुंचा दो। हनीमून स्वीट? नहीं नहीं, आई गेस यू मिस्टेकन, हमने तो स्टैंडर्ड रूम बुक किया था। हम आपको अपग्रेड कर रहे हैं विद नो एक्स्ट्रा चार्जेस। अब हनीमून पर आए हैं तो कुछ सरप्राइजेस तो होने ही चाहिए ना। वैसे भी ये मोमेंट जिंदगी में याद रहते हैं। मेरे हनीमून पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था, तो बस इसीलिए यू नो। ओह, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम सर। पेमेंट बाय कैश और क्रेडिट? क्रेडिट कार्ड। ये आपके रूम कीज। Thank ये you. आपका क्रेडिट कार्ड। फूलन सिंह आपको हनीमून स्वीट तक ले जाएगा। थैंक यू सो मच।
था। बाप रे, इतना बड़ा कमरा। हाय सुमे। तो कंट्रोल यार नेहा। बोल यार। सर मैं जाऊं? खेलो, जाओ। ओए नेहा, यहाँ तो दो दो कमरे हैं यार। नेहा देख, यहां से भी एग्जिट है इसकी। ऋषि, ये कहां पे आ गए हम? ये तो जन्नत तेरे। बाथरूम भी बहुत बड़ा है यार। अरे यार, तुम हनीमून पे आई हो या टीवी खोल के बैठी हो? जल्दी करो मैडम, तैयार हो जाओ। सुनो ना, हम अगर हम आज बाहर नहीं जाएंगे तो चलेगा ना? एक मिनट, तुम ये सीरियल किलर से तो नहीं डर रही हो? तुम्हें तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों यार, वो सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को मारता है। हाँ कैमरास तो लाए हो ना? कैमरा? वो तो तुम लाने वाली थी ना? मतलब तुम भूल गए? वाह, हनीमून पे आए और हमारे पास कैमरास ही नहीं है। अब समझ में आया कि तुम्हारे लिए हनीमून की मेमोरीज कितनी इम्पोर्टेंट है। अरे 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 यार, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अभी तो हनीमून स्टार्ट हुआ है। एक काम करते हैं, अभी एक नया कैमरा ले लेते हैं। चलो। नहीं। चलो ना। नहीं। प्लीज। उठा के लेके चलो क्या? क्या कमाल की ओपनिंग हुई है ना हमारे हनीमून की। मेरा मतलब बर्फ की तरह ना सब कुछ जम चुका है मेरा। मेरी गलती नहीं है, मैंने तो कहा था कि कमरे में ही रह लेते हैं। तुम्हारा ही बड़ा मन था ना बाहर जाने का। अब जाओ और जाकर मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ और मैं तुम्हें आगे का प्लान बताती हूँ। जो हुकुम। Jao!
मेरा बच्चा। उसे संभालिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप शुक्रिया मत कहिए, मेरी जगह अगर कोई और भी होता तो भी ऐसा ही करता। मुझे ही कैफू देना चाहिए था, मेरी ही गलती थी। आपने मेरे बच्चे की नहीं, मेरी जिंदगी बचाई। अब लगे हाथों इसके लिए भी थैंक यू बोल दो। अरे थैंक यू फॉर एवरीथिंग ऋषि। मैं एक से दस तक गिनूंगी, अगर नहीं उठे ना तो ये ठंडा पानी तुम्हारे सिर पे डाल दूंगी। एक, तीन, दो में सो गया, दो, चार, तीन में सो गया बेबी, तीन, पांच, इस बार चार में सो गया। कैलकुलेशन करने के लिए तुम्हारी नींद खुली है ना टंकी कहीं के? उठ रहा, उठ रहा, उठ रहा। हाँ प्रॉमिस। देख उठ गया, दो मिनट। अब बोल ऋषि, पानी मत डालना। पानी डाल रही थी ना, प्लीज कान पकड़। ओके सॉरी। फिर से सॉरी। सॉरी। हाँ बेटा, अब जल्दी जाओ ना। और सुनो, चाय मंगवा रही हूँ। चाय आने से पहले ना तुम नहा के तैयार हो जाना, ठीक है? दो चाय अदरक वाली, एक दिन करक। रूम नंबर 133। देखी? अरे क्या हुआ? कौन हो तुम? अरे अदिति, यहाँ कैसे आए तुम?
ऋषि, ऋषि। कौन हूँ मैं? सुबह सुबह मजाक के मूड में हो ना? मैं हूँ कबीर, कबीर जायसवाल, तुम्हारा पति।